शिकारपुर खांड कल पंजन मेलन के मुफासिले ते चुई शाख के साजे कप ते एक नंढड़ी बस्ती है जो असुल नालो तो बख्शू उन्नड़ हो पर इन वक्त बुडल फकीर के गोठ के नाव से मशहूर है। शिकारपुर के चौधारी घणा ही नंढड़ा गोठड़ा हैं पर इन गोठ के मुख्य अहमियत है छाकाण त ही गोठ अज का अटकल एक सदी अग एक अहले विलायत दरवेश के रहन जो मकाम हो जैपे नगमे सराई से सिंधी अदब में वो मकाम हासिल कयो। इन अहले विलायत दरवेश जो इस्म ग्रामी हजरत सूफी बुढ़ल फकीर हो उन्हीं बख्शे उन्नड़ के गोठ में एक शख्स थी रो जो नालो अब्दुल वासे हो जैके आम मानू वस्यो सड़ींदा हुआ। वो नेठो निमाणी तबीयत जो मालिक हो अंग्रेजन के हुकुम जो अवायली दौर हो हर तरफ सुकर ए सणाई हुई सादगी राहत समझी वी हुई कूड़ ए फरेब एडो आम न हो। वस्यो फकीर बटे एकड़ जमीन जा आबाद कर सुखियो सताबो गुजारी हो पर एक गम खेस मायूस कंदो रंदो हो वो यो हो तो खेस का भी नरीनो औलाद कान हुई जैकरे हु सदाई पीरन फकीरन दे पयो पंध कंदो हो। रिवायत आहे ते एक भेरे एक मजजूब फकीर अची संदस गोठ खां लांघाऊ थियो उन जे नाले जी खबर पेजी न सगी पर फकीर खेस नांगो मस्त अलस्ते जे लकब सां सडींदा आहिन। फकीर वसे उन मजजूब जी पुठ वरती जैं संदस आजी के ॾिसी दुआ कई थोड़े वक्त का पोए खेस नींगर पैदा थियो जैं ते बुढ़ल नालो रखियो वयो। संदस विलादत जो साल सही मालूम थी न सको है पर फकीरन का मालूम थियो आहे तो फकीर साहब पान फरमाइंदो हो तो जडें आखिरी लेट अची बस थी रेल जे बंद बदन लाए अंग्रेज ऑफिसर जरखेल जे सड़क जे ओभर का तंबू हणी अची वेठा तदें मुझे उम्र अटकल 18 साल हुई। शिकारपुर में रेल जो बंद सन 1883 ईस्वी धारे ठहण शुरू थियो हो जैसे फकीर साहब की जबानी रिवायत के ऐसे तो संदस विलादत जो साल अंदाजन 1885 थिए तो जबानी रिवायतन में जी मालूम थिए तो फकीर साहब पंजे वालदेन के हंज में लाड ए कोड से पलो पर जी हु वो थो वो तीए मानन का दूर दूर रहन लगो। अठन वरें जो नंढड़ो बार जंगन में जालींदो ए वाटन ते वेहंदो थे रहो। संदस वालिद खेस गोठ के मकतब में पढ़ लाए विहारियो मगर मकतब की फिजा खेस रास न आई। वो मकतब का निकरी जंग में बबुर के हेठा या लय के पाछे में लेटी पवंदो हो। संदस वालिद खेस गोले घर वठी इंदो हो संदस रंग डंग निरालो थींदो वयो। वो बार जी इन अजीब दुनिया ही किनारा कशी का नाउमीद थी पयो खेस बेहद अफसोस थियण लगो। गोठ जा मानू चमोगियों करे चवण लगा ते वेचारे वसी फकीर जी किस्मत चंगी ना है सिकी सिकी पुट तो जायस पर हथा मुसीबत बणजी पयो अथस एड़े पुट खां तो बस भली। संदस वालिद मजबूर थी गोठ जे बेन बारन वांगुर खेस ढोर चारण ला दिना जंग में ढोरन पंजी वाट वरती बुढ़ल पंजी वाट वरती जैखे लगे लऊं यार जी विसरी वयन कमकार भी तलब हुन सरदार जी से आम में हित न अड़िया। फकीर साहब के नंढे हूंदे गऊं चारण लाए मोकलींदा हुआ गऊं जंग में छड़े पान एक वण जी छांव में वेहंदा हुआ ता जो फकीर साहब शाम तई उन वण जी छांव में वेठो हुंदो हो ए माल जडे घर डा मोटी इंदो हो तो फकीर साहब भी घर इंदो हो। माल के छडण साई माल पोख में वणी पोंदो हो जो कुणमी उनन के तड़े छडींदा हुआ। एक डी कुणमी कावड़ जी आया तो इन धनार के गोले विणुस जडे फकीर साहब वट आया तो छा दिसन बुढ़ल साई निंड पयो आए वक्त टिपरी शाम जो आए मगर वण छाव सुबह वांगुर ओलह तरफ आए। यो डिसी ख्याल कयाऊं तो ही धनार को मर्द मौला दरवेश आए मंजस अड़ी का मण्या आए जो वण भी इन जी अमर में खिदमतगार आन तेकर इनके कुछ न चवं मत अल्लाह न नाराज़ थे यो चई हु वापस हलिया वया। रिवायत है तो एक डी जी फकीर साहब झंग में ढोरन के आहरण वो तीं मथस अड़ो हाल तारी थी वो जो हु गश खाई किरी पो बेहोशी की हालत में खेस घर आंदाऊँ। संदस वालदेन ओड़े पाड़े वारन ये समझो तो मथस को जिन जो असर थो है भोपा घुराया वया झाड़ू झूपू थियण लग्यूँ
पर हिननि भोपनि खे कहिड़ी ख़बर त इलाही मुहबत जो रंग कहिड़ी रीत चढ़े थो। हू इलाही रंग में रंगजी मस्तु गुज़ारणु लॻो ऐं उन वक़्तु संदसि शाइरी जी इब्तिदा थी। जेतोणीकि सुर संगीत खां वाक़िफ़ न हो, पर यकतारो खणी ॻाइणु शुरू कयाई। यकतारे ते हिन जो पहिरियों कलाम चयो, सो हो सिगड़ो मोट जे यार तोखे वेठा सारियूं, सच जी सुरकु वए का पियारियूं। हिकु भेरे इतफ़ाक़ सां पीर जे गोट जे नामियारे राशिदी ख़ानदान जो हिकु फ़र्द सैद अली सरवर शाह पंहिंजे हिकु मुरीद वटि, जंहिंजो नालो फरीद हो, फ़क़ीर साहिब जे ॻोठ में अची मंज़िल अंदाज़ थियो। ॿुढल फ़क़ीर जे वालिद खे जॾहिं पीर साहिब जे अचण जी ख़बर पई, तॾहिं फ़क़ीर साहिब खे वठी पीर साहिब जी ख़िदमत में हाज़िर कयाई। पीर साहिब संदसि कलाम ऐं ज़ाहिरी जोश ऐं जज़्बे खे ॾिसी बेहद मुतासिर थियो ऐं पंहिंजे मुरीद खे हुकुम ॾिनई त हिन नौजवान खे पीर जे ॻोठ दरगाह ते वठी वञ। फरीद ऐं फ़क़ीर ॿुढल जे वालिद पीर साहिब जे हुकुम जी तामील कई। ॾींहुं गुज़रण बाद ॿुढल साईं जन खे साण करे पीर साईं जन जी दरगाह शरीफ़ ॾांहुं प्यादल रस्ते वठी हलिया ऐं दरियाह तां ॿेड़ी रस्ती पार टपण जो इरादो करे ॿेड़ी ते चढ़िया। जॾहिं ॿेड़ी सीर में पहुती त ॿुॾण लॻी, जंहिं करे सभई माण्हू ॿेड़ी ते वेठल हैरान ऐं परेशान थियणु लॻा। फरीद फ़क़ीर सभिनी माण्हुनि खे चयो त ॿेड़ी जे बचाउ लाइ ॿुढल साईं खे सभई अर्ज़ु कयो त ख़ैर सलामती सां पार पहुची पऊं। पोइ समूरा माण्हू ॿुढल साईं खे अर्ज़ु करणु लॻा त फ़क़ीर साईं, ॿेड़ी लाइ रब पाक जी दरगाह में दुआ घुरो त ख़ैर सां हली पार पहुचूं। पोइ ॿुढल साईं जन हिकु शहर जे नमूने 28 मिसरनि सां लोली चई ऐं ॿेड़ी रब जे बाज सां पार पहुती। पोइ ॿुढल साईं जन फरीद फ़क़ीर सां गॾिजी पीर साईं जन जी दरगाह शरीफ़ पहुता। जंहिं वक़्तु फ़क़ीर ॿुढल साईं जन ऐं फरीद फ़क़ीर पीर साहिब हिज़बुल्ला शाह साईं जन जी हज़ूर में पहुता, पीर साईं बादशाह फ़रमायो त फरीद फ़क़ीर ही रोहड़ी वारो बेदल फ़क़ीर त नांदो अथई। फरीद फ़क़ीर अर्ज़ु कयो त क़िबला, ही असांजे ॻोठ में वासे फ़क़ीर जो निंगर आहे, अव्हांजी हज़ूर में दस्त बैत थियणु आयो आहे। पीर साईं बादशाह जन फ़रमाइण लॻा त खीर जो मट त भरियलु आहे, पर सांभाण जी देरि अथसि। पोइ ॿुढल साईं ॾे मुख़ातिबु थी फ़रमाइण लॻा त फ़क़ीर मुंहिंजो ही कुल्हो त ॾिस, ही ज़ख़्मी थी पियो आहे, तुंहिंजे सॾण ते अची ॿेड़ी खे ॿुॾण खां बचाइण लाइ ॾिनो अथमि। फ़क़ीर ॿुढल साईं जन अर्ज़ु कयो त क़िबला, मां बि वरी अव्हां जी औलाद ऐं पीढ़ी लाइ ॾींहुं क़यामत ताईं लोली चई अथमि। दस्त बैत थियण बाद पीर साईं बादशाह हादी साईं जन खे फ़रमायो त अव्हां आईंदा लाइ हेॾां अचण ऐं पंध जी तकलीफ़ न कंदा करियो, जो असां अव्हां सां क़यामत ताईं साण आहियूं, अव्हां को बि ख़्यालु न कंदा। हज़रत ॿुढल साईं पोइ संदसि इरादत मंदनि में दाख़िल थी वियो। कुझु वक़्तु मुर्शिद जी ख़िदमत में रही मोटी ॻोठु आयो, जिते ख़ामोशी सां राति ॾींहुं यादि इलाही में गुज़ारींदो रहियो। हाणे संदसि ज़िंदगी ॼण हिकु सालिक जी सतह ते अची वई, माण्हुनि जूं दिलियूं डांस छिकिबियूं थी रहियूं। वक़्तु गुज़रंदो वियो ऐं मुहबत जी आग जा अॻु भड़का खाए उथंदी हुई हाणे नूरानियत में तब्दील थी वई। जा हिकु सूफ़ी जी आख़िरी मंज़िल आहे, फिराक जी मंज़िल विसाल जे मक़ाम में बदिलजी वई। ॿुढल साईं जन जी दिलि में हर वक़्तु इहो ख़्यालु रहंदो हो त जेको बि माल असबाब आहे सो रब जी राह में ख़ैरात करे मिसकिननि खे खाराए छॾिजे। हिकु दफ़े संदन वालदेन ॿिए ॻोठ ॾांहुं विया ऐं हादी साईं खे चयाऊं त असां ॻोठ खां ॿाहिरि था वञूं, पुठियां घर ऐं माल जी हिफ़ाज़त कंदा। जॾहिं हू रवाना थी विया त ॿुढल साईं जन छा कयो जो ॻोठ जे माण्हुनि खे सॾाए डांद ऐं ॿियो जेको बि माल ढोर ढगा हुयनि उन्हनि खे तकबीर ॾियारियाऊं ऐं गाॾी पांजारी हर ऐं ॿिया काठ किला वढाए देगनि में बाह में साड़ायूं ऐं घर में जेको बि अनाज हुयो सो बि रंधाए पसगिरदाई वारा मिसकीन ऐं हमसाया घुराए ऐं वाटाड़ू सॾाए उन्हनि खे खाराए छॾियाऊं। संदन वालिद साहिब जन जॾहिं सफ़र तां मोटी आया त इहो हाल ॾिसी हू बि फ़क़ीर जी रज़ा ते राज़ी रहिया। उन बाद आहिस्ते आहिस्ते इश्क वहदत जी इज़हारी थींदी वई। पाण कलाम में फ़रमायो अथनि त नीं ॿुढल निर्वार कयो हाणे काॾे लिखां, मिसाल आहे त इश्क ऐं मुश्क लिखी न सघंदो आहे, ख़ुदि ज़ात हक़ खे बि इश्की ज़ाहिरु कयो पोइ किथे थो लिखे। हिकु दफ़े जी ॻाल्हि आहे त हिकु फ़क़ीर दरगाह ते ॿुढल साईं जन जे ते आयो
आदि शहनशाह जन जे फर्जन साईं फ़कीर अब्दुल हकीम जन खां पुछा कयाऊं तो बुढ़ल साईं किथे आए। पर उन डी बुढ़ल साईं जन ड्रखण गोठ दावत खाण वया हुआ। पुछा कंदड़ के बुढ़ल साईं जे फर्जन फ़कीर अब्दुल हकीम ओडां डस डिनो। उन बाद हू भी ओडां रवानो थी वयो। ओडां आदि साईं जन दावत खाई पंज फ़कीर अमीर बख्श ऐं ॿियनि तालिबनि सां दरगाह ॾांहुं थे आया। त रस्ते में उहो फ़कीर बुढ़ल साईं जन सां वञी मिलियो। खाइंसि पुछा कयाऊंसि त केरु आहीं? जंहिं ते साहिल अर्ज़ु कयो त मुंहिंजो नालो अली शेर आहे, ज़ात जो जोयो आहियां, तालिब साईं रखियल शाह जो आहियां। वेठल ॻोठ जतो ई लॻ ॻड़ी वियासीं। मूंखे का ज़रूरत आहे, ख़ुदा वास्ते 100 रुपया ॾियो। जंहिं ते बुढ़ल साईं जन फ़रमायो त फ़क़ीर, मूं वटि 100 रुपया त कोन आहिनि। जेको अलाह जे नाले ते दावत मां मिलियो आहे सो वठ। साहिल अर्ज़ु कयो त मूंखे 100 रुपयनि खां घटि न खपे, जो ज़रूरत पूरी न थींदी। पोइ आदि साईं जन फ़रमायो त मूंखे वठी हली किथी विकिणे 100 रुपया हथु करियो। पोइ साहिल ईअं बि कयो, जो फ़क़ीर बुढ़ल साईं जन गाॾी हलाईंदड़ खे चयो त डांद गाॾी मोटाए ॻोठु वञ। ऐं फ़क़ीर अमीर बख़्श खे फ़रमायूं, तव्हां दरगाह ते वञो, मुंहिंजो सिरु ख़ुदा वास्ते क़बूल पियो आहे। मां हिन साहिल फ़क़ीर जे पुठियां वञा थो, पोइ जाॾे बि करे अचनि था। पेर अॻु पायूं ॾाढी कंहिं कस्त मां कयूं, कूपा ॾियनि कंध कपायूं, उहे गॾु यार सां हूंदा। पोइ साहिल फ़क़ीर बुढ़ल साईं जन खे साण करे शिकारपुर ॾांहुं रवानो थियो। चयाऊं त अव्हां खे 100 रुपया ते हली किथे विकिणा थो। इहा ख़बर जॾहिं दावत कंदड़ सुमरनि फ़क़ीरनि खे वञी पहुती त उहे हिकदमि वठी डोड़िया ऐं बुढ़ल साईं जन खे रहिस वाह ते शिकारपुर जे ॿाहिरां अची पहुता। ऐं साहिल खे आज़ी न्याज़ी सां चयाऊं त असीं तोखे 100 रुपया ॾियूं था, बुढ़ल साईं जन जी पचर छॾियो। जंहिं ते साहिल 100 रुपया वठी बुढ़ल साईं जन खे छॾियो, जो ड्रखण फ़क़ीर बुढ़ल साईं जन खे वठी पंहिंजे ॻोठु आया। होॾां इहा हक़ीक़त जॾहिं अमीर फ़क़ीर दरगाह ते ॿुधाई त फ़क़ीर बुढ़ल साईं जन जो फ़र्ज़ंद फ़क़ीर अब्दुल हकीम जन पंहिंजे फ़ुकरा समेत ड्रखण जे ॻोठु अची पहुता। समूरी हक़ीक़त मालूम थियण बाद संदन फ़र्ज़ंद फ़क़ीर अब्दुल हकीम बुढ़ल साईं जन खे दरगाह ते हलण लाइ अर्ज़ु कयो, मगर हादी साईं जन फ़रमायो त असीं हिननि सूमरनि वटि विकाइण लाइ आहियूं। अवां दरगाह शरीफ़ ते वापसि वञो, हाणे मुंहिंजो अवां सां ऐं दरगाह सां को बि वास्तो न आहे। जॾहिं सूमरनि हादी साईं जन खां हीअ अल्फाज़ ॿुधा तॾहिं हुननि मिणी अर्ज़ु कयो, साईं असां अव्हांखे उहे 100 रुपया राह अलाह बख़्शासूं। अव्हां भली दरगाह शरीफ़ ते पंहिंजे अहल अयाल ऐं फ़ुकरा सां वञी ख़ुशि खुरम रहो। इहे अल्फाज़ 3 दफ़ा अर्ज़ु कयाऊं, पोइ पाण साईं जन राज़ी थी उतां मोकिलाए दरगाह शरीफ़ ते आया। हीअ हुई संदन सिर जी सखा। जंहिं वक़्तु हादी साईं जन जे राज़ इलाही जे मुल्क में मशहूरी थी, उन बाद संदन वालदेन खेनि शादी करण लाइ चयो, पर पाण साईं जन क़बूल न पिया कनि। नेठि साईं पीर अली सरवर शाह जन खां चवायाऊं, जंहिंजे हुकुम मूजिबि पाण बुढ़ल साईं शादी करण ते राज़ी थिया। खेनि ॻोठ मां ई शादी करायाऊं, मगर हादी साईं पंहिंजे अहल बैत जे वेझो ई न विया। नेठि मजबूर थी संदन वालिद ॿीहर साईं पीर अली सरवर शाह जन खे वठी आया, जंहिं बुढ़ल साईं जन खे घरेलू ज़िंदगी सही गुज़ारण लाइ ज़ोर विधो। जंहिं ते बुढ़ल साईं जन फ़रमायो त जेॾां तेॾां हिकु ई नूर थो नज़र अचे, पोइ गुस्ताखी कीअं करियां? आख़िरकार पीर साईं जे चवण ते बुढ़ल साईं जन पंहिंजे अहल बैत जे वेझो थिया। पोइ साईं जन जी औलाद जो सिलसिलो शुरू थियो। बुढ़ल फ़क़ीर ॾांहुं केतिरियूं ई रवायतूं मनसूब आहिनि, जेके आम पढ़ंदड़नि लाइ हिते मुख़्तसर ॾिजनि थियूं। बुढ़ल फ़क़ीर जॾहिं ॼाओ हो तॾहिं नाड़ो वठण लाइ दाई खे काती ॾसी हुई। माल चाढ़ण वक़्तु यल छॾे ॾींदो हो ऐं जंहिं वण हेठां सुम्हे ते छांव हिकु जाइ ते बीह वेंदी हुई। बुढ़ल साईं माल सां गॾु फर बि शामिलु करे झंग ॾे वेंदो हो। फर बि ढ्रओ ते खीर पीअण त घर वारनि खे बि खीर जाम मिली वेंदो हो। पखी वांगुरु परवाज़ कंदो हो। हिकु औरत मुसलसिल 7 हज कंदे फ़क़ीर बुढ़ल खे बि हज अदा कंदे ॾिठो। जॾहिं मोटी अची हज जो अहिवाल ओरियाई त वराणे ॾिनई त आउं हितो हुअसि, हज ते उसियो बि न आहियां। मरहूम फ़क़ीर अली बख़्श सरकी साकन गढ़ी हसन तालका ठुल खां रिवायत आहे त आउं बुढ़ल फ़क़ीर जे हाज़िरी में घड़ो वॼाईंदो हुअसि। हिकु दफ़े कंहिं नामालूम माण्हू बुढ़ल फ़क़ीर खे पहिरें पई हथु ॾिनो त बुढ़ल फ़क़ीर उन वक़्तु टेक ॾेई सुता पिया हुआ। नामालूम माण्हू जा हथ जीअं पेरनि ते पिया, बुढ़ल फ़क़ीर रड़ करे उथी वेही रहियो। चयईं त अबा मारे छॾी, अबा मारे छॾी। पोइ मालूम थियो त हथु ॾियण वारो ज़ात जो सैयद हो।
बुढ़ल साईं जन के टे फर्जंद ब न्याणियों पैदा थिया। संदन वो फर्जंद फकीर अब्दुल हकीम नंगर धनी बादशाह एक वे हाल ख्याल वारा अहल विलायत सूफी दरवेश हुआ। पान बुढ़ल साईं जन के बुरका मटाण का सजादा नशीन थिया। संदस विचों पुट फकीर मस्त मोहम्मद मकीम नरगो लायक पुट हो पर पी जो हाल मुहर्रम दिल जो दोस्त हो। पान एक कादरल कलाम सूफी शायर ए फनाफिल्लाह मर्द कामिल हुआ। इनमें नंढपिण का ही फकीर साहब वांगुर मस्ती जो जज्बो समायल हो। उन करे मानु खेस मस्त मुकीम जे नाले से सड़ींदा हुआ। संदस मुख मां अजीब जलाल पयो बखंदो हो वडो मोहब्बती जवान हुंदो ओचतो ही लुंग बंद जवान लेटी पयो जवानी जो मौत सोब एक लायक फर्जन जो। फकीर साहब उन सदमे के निहायत सब्र सा सठो जवान पुट की याद में संदस आखिरी मरसियो हो। वर लय कंदस वस लहंदस लाल लकन मो अंग लिखो मुझो अगे ही आऊँ किए मटिया मस वोणी दिस वणकार में डेह डींदो माखे डस कायूं विंदस केच डे वठी गोरन जो आऊँ गस इंदो बारो चो बुढ़ल चवे पवंदन को शाल तरस। पाण अटकल चालीहन वरियन की उम्र में पंजे वालिद माजिद बुढ़ल साईं जन की हयाती में दुनिया का दिल खणी उकबे दां रवाना थिया। बुढ़ल साईं मथस पंजे हयाती में रोज़ो ठहरायो जो इन वक्त मौजूद आए। टियों फर्जंद साईं फकीर अब्दुल करीम जन साईं फकीर अब्दुल हकीम जन की बुरका मटाण का सजादा नशीन थिया। पाण हमेशा पंजे मस्ती हाल ख्याल में गुजारींदा हुआ। हादी साईं जन जो जै एक दफ़ो दीदार कयो हुंदो सोई बखूबी संदन सूरत ए सीरत जो अंदाज़ो लगाए सकंदो। संदन शकल तशबी में चकमक जी कशिश रखिल हुई ए पेशानी ते नूरानी नूर पयो बकंदो हो। सर मुबारक जा वार हल्का हुयन संदन दाढ़ी मुबारक मुठ जेतरी ए शापरन के सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मुताबिक अख्तियार कयल हुयन ए मुंह मुबारक जो खतासुल न वठंदा हुआ। कदम मुबारक कुछ वरियल हुंदा हुयन जैं करे खास किस्म जो बूट ठहरायो वेंदो हो। संदन पोशाक विनायत सादी हुंदी हुई सिर ते ताज मुबारक जिस्म ते ड्रिगो चोलो या वक्ती सूफियन वारी ड्रिगी अल्फी सुथण तमाम हल्की पाईंदा हुआ। अक्सर करे कपड़न के बबरन जे खलन जो रंग ॾियारींदा हुआ। संदन खाधो सादो हुंदो हुयन जुअर जी मानी साई पालक सरें जो साग ऐं लस्सी भत खे वधीक पसंदि कंदा हुआ। खाइण लाइ थाव ठिकर या काठ जा हूंदा हुयनि। आम तरह दावत कंदड़नि खे पंहिंजो इहो खाधो क़बूल कराए पोइ वेंदा हुआ। सुम्हण लाइ सादी रिली ऐं रहण लाइ कखाई झूपड़ी वधीक वणंदी हुयनि। बिस्तरे ते तॾो विछाए पोइ वेहंदा या सुम्हंदा हुआ। सारो ॾींहुं कचहरी खुलियल हूंदियूं हुयनि। जेकॾहिं को बि सवाल ईंदो हुयनि त उन जो सवाल पूरो कंदा हुआ। फुकरा सां वध तूं कंदे ॾींहुं बसर कंदा हुआ ऐं शाम जो फुकरा जी चौकी ॿधंदा हुआ। आवाज़ कलाम जे ॿुधण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हुयनि। विसाल वक़्तु पंहिंजनि पुटनि ऐं औलाद खे वसियत फ़रमायाऊं त नंगर क़ाइमु रखिजो दुई ऐं लालच खां परे भॼिजो। हिकु ई नज़र सां मखलूक खे ॾिसिजो मिसकिननि ऐं मोहताजनि जी सार संभार लहिजो त अल्लाह साईं ऐं हज़ूर पाक सलाहु आल वसलम जन जे टोले में अवां सुरख़ुरू रहंदो। बुढ़ल साईं जन ॻाल्हाईंदे सॼे फुकरा खां मोकिलाए हिन फ़ानी दुनिया मां साल 12 अक्टूबर 1949 ब मुताबिक 1358 हिजरी महीने शोबान जे तारीख़ 27 ख़मीस ॾींहुं जुमे राति बुरको मटाए दारुल बका तरफ़ रवाना थी विया।